हेलो एवरीवन वेलकम टू वेदमी आज इस वीडियो में हम लेके आए हैं यूनिट नाइन बायोडाइवर्सिटी का एक हॉट टॉपिक जो कि है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जून 2024 में से क्वेश्चन पूछा गया है अंडमान एंड निकोबार आर की पैलियो आर पार्ट ऑफ विच सिटी हॉटस्पॉट आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं अंडमानिकोबार संडरलैंडमान संडरलैंड निकोबार इंडो बर्मा और इस तरह के कई सारे ऑप्शन दिए गए तो अगर आपको यहाँ पे पता नहीं होगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या हैं और इंडिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं या वर्ल्ड में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आपको जानना जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है क्यों बायोडाइवर्सिटी मैटर करती है टर्म है बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी बायो से हमें पता चल रहा है कि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग बीइंग, इट कैन बी कोई प्लांट फ्लोरा एंड इट कैन बी एनी एनिमल फॉर्न तो कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी क्या है फ्लोरा एंड एनिमल्स एंड प्लांट के स्पीशीज में रिचनेस अलग अलग की वैरायटी इनको ही हम बोलते हैं डाइवर्सिटी एनिमल एंड प्लांट्स में जितने तरह की वैरायटीज अवेलेबल हैं वर्ल्ड में उनको ही कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं क्या बायोडाइवर्सिटी क्यों मैटर करती है बायोडाइवर्सिटी तो बायोडाइवर्सिटी मैटर करती है आज हम जानते हैं कि हमारे इकोनॉमिक वैल्यूज में बहुत सारे मेडिसिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें प्लांट सोर्सेस से मिलते हैं इवन हमारे आ, होम में हमारे घरों में जो फर्नीचर यूज होते हैं उनमें भी काफी आ, हद तक जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वुडन प्लांट्स का है जिनके स्टेम्स जो है वो वुडन है सेकेंडरी ग्रोथ जिनमें प्रेजेंट है तो इस तरह के प्लांट जो हैं वो हमारे लिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं प्लस इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने में न्यूट्री न्यूट्रियन साइकिलिंग ये नाइट्रोजन साइकिल वाटर साइकिल और आपके सल्फर साइकिल फॉस्फोरस साइकिल सब में जो है कहीं ना कहीं से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट और एनिमल्स अलग अलग तरह के प्लांट एनिमल्स और माइक्रोजम का अपना कंट्रीब्यूशन होता है पूरे एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में या लिथोस्फीयर या बायोस्फीयर को मेंटेन करने में तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी मैटर करता है अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है नाम से सुन के लग रहा है कि हॉटस्पॉट यानी कुछ हाईलाइटेड चीज होगी बायोडाइवर्सिटी का मतलब तो हम समझ गए कि डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फाउना का एक कलेक्शन जो होता है एक वैरायटी पर्टिकुलर हर हर एक स्पेशल जगह पे अलग-अलग तरह के वैरायटीज जो पाए जाते हैं वो वहां की उस पर्टिकुलर प्लेस की बायोडायवर्सिटी हुई लेकिन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है भाई हॉटस्पॉट नाम से समझ में आ रहा है कुछ हाइलाइटेड चीज होगी तो यस ये क्या है कुछ हाइलाइटेड रीजन है किस तरह के हाइलाइटेड रीजन है जहां बायोडायवर्सिटी रिच है तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट उन रीजंस को बोला गया है जहां हाई नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया में रिचनेस है प्लांट एंड एनिमल की अलग अलग वेराइटीज की रिचनेस प्रेजेंट है तो इसको हम बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अच्छा तो ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी जगह है जहाँ बहुत सारे वेराइटीज हैं और बहुत सारी ए, ए, एनिमल्स और प्लांट की वराइटीज है क्या हम सबको बायो हॉटस्पॉट बोल दें नहीं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्लैरिफाई करने के लिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने दो क्राइटेरिया बनाए हैं जिनके बेसिस पे आपके क्या बनते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बनते हैं ये दो क्राइटेरिया क्या है पहला है एंडेमिक स्पीशीज के नंबर और दूसरा थ्रेटेन हैबिटेट्स के की बेसिस पे ठीक तो एंडेमिक स्पीशीज कम से कम ए उस पर्टिकुलर एरिया में पंद्रह सौ वस्कुलर प्लांट की स्पीशीज होनी चाहिए 1500 पंद्रह प्लांट। वस्कुलर प्लांट मतलब, वस्कुलर प्लांट मतलब आपके टेरिडोफाइट नॉन सीड ट्रेक्योफाइट सीड ट्रेक्योफाइट और फ्लारिंग प्लांट यानी एनजियोस्प यानी टाइडोफाइट जिम्नोस्पर्म एनजियोस्प के लगभग 1500 वैराइटीज वेराइटीज वहां पे होनी चाहिए 1500 तरह के वस्कुलर प्लांट वहां पे होने चाहिए एंडेमिक स्पीशीज क्यों बोल रहे हैं कि प्लांट स्पीशीज जो है वो जरूरी है कि एंडेमिक हो ये जो 1500 तरीके की वैरायटी किसी जगह पे देखे जा रहे हैं ना उनके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि वो होने चाहिए एंडेमिक स्पीशीज एंडेमिक स्पीशीज क्या है एंडेमिक स्पीशीज बोले तो एक ऐसे स्पीशीज होते हैं जो उस पर्टिकुलर जगह पे रेस्ट्रिक्टेड होते हैं उसी जगह पे पाए जाते हैं कहीं और नहीं पाए जाएंगे या कहीं और से लाए हुए एनिमल्स को या प्लांट्स को वहां पे काउंट नहीं करेंगे जैसे एंडेमिक स्पीशीज बोल दिया तो आप मान सकते हो जैसे ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में एंडेमिक स्पीशीज कंगारू कंगारू लिमिटेड है ऑस्ट्रेलिया में तो ये कंगारू जो है वो क्या है एंडेमिक स्पीशीज है सेम अगर मैं बोलू यूके को वॉटर हाइके को यूके लिप्टस वाटर हाइके जो है इंडिया में पाए जाते हैं लेकिन ये दोनों स्पीशीज यूके एंड वॉटर हाइके ये दोनों इंडिया में के एंडेमिक स्पीशीज नहीं है इनको इंट्रोड्यूस किया गया था किसी फॉरेन कंट्री से लाके इंडिया में यानी ये इंडिया के एंडमिक स्पीशीज नहीं है यानी जो पर्टिकुलरली उस प्लेस के नेटिव स्पीशीज हो जो वहीं पे एक पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्टेड हो उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज मतलब कि कोई ऐसी जगह एक्स वाई जेड कोई भी ऐसी जगह जहां पे आपके 1500 एंडेमिक एंडेमिक वस्कुलर प्लांट मतलब वहां के नेटिव वस्कुलर प्लांट जो हैं प्रेजेंट हो ठीक और दूसरा क्राइटेरिया क्या है हैव लॉस्ट एटलीस्ट ऑफ़ देयर नेटिव वेजिटेशन या नेटिव हैबिटेट तो 70 परसेंट उस, उस जगह ने जहां पे आपके 1500 एंडेमिक वस्कुलर प्लांट मिल रहे हैं वहां थ्रेटेंड हो क्या थ्रेटेंड हो सेवेंटी परसेंट वेजिटेशन वहां पे लॉस्ट हो चुकी हो तो इसको दो तरह से बोला जा सकता है कि सेवेंटी परसेंट वेजिटेशन लॉस्ट हुआ हो और जब हम बोल रहे हैं सेवेंटी परसेंट लॉस्ट हुआ है तो इसका दूसरा मतलब यह भी निकल सकता है कि थर्टी परसेंट वेजिटेशन बचा रह गया हो है ना दो तरीके से इस चीज को बोल सकते हैं रिमेन थर्टी परसेंट रिमेल तो इस क्राइटेरिया को कभी कभी दो तरीके से लिखा जा सकता है कि सेवेंटी परसेंट वेजिटेशन लॉस्ट हो गया है और यह भी लिखा जा सकता है कि थर्टी परसेंट वेजिटेशन बचा रह गया हो ठीक तो दो तरह के से एक ही क्राइटेरिया को लिखा जा सकता है ये होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने का तरीका वेजिटेशन बचा रह गया हो क्या मतलब है जैसे Uh, आजकल क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज में स्पेशली फूड इंडस्ट्रीज में पाम ऑयल जो है स्पेशल इंग्रेडिएंट है मेन इंग्रेडिएंट है पाम ऑयल का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा हाई है वर्ल्ड वाइड जो है हाई है बिस्किट टॉफी नमकीन सब कुछ किस में बन रहे हैं पाम ऑयल में बन रहा है तो इसका मतलब कि इतने बड़े पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए फूड इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में क्या चाहिए पाम ऑयल चाहिए इसलिए अब देखो क्या किया गया है इंडोनेशिया वगैरह के जंगल काट दिए गए हैं और उन जंगलों में पाम ट्रीज लगाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पाम ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा सके निकाला जा सके तो ये ये हम अपने पर्पज से, से अपने पर्पज से अपने पर्पज को फुलफिल करने के लिए क्या कर रहे हैं जंगलों को काट रहे हैं तो जंगल को काटना इस क्या किस लॉस्ट करना वेजिटेशन को लॉस्ट करना तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे जहां की गई हैं वहां का क्या हुआ वेजिटेशन लॉस्ट हुआ क्लियर तो यही चीज मैं बोल रही हूं कि अगर किसी स्पेसिफिक जगह जहां पे 1500 एंडेमिक वस्कुलर प्लांट मिले और 70 परसेंट सेवेंटी परसेंट वेजिटेशन जो है वो लॉस्ट हो गई हो या थर्टी परसेंट वेजिटेशन बची रह गई हो उन जगहों को हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो कितने ऐसे वर्ल्ड में जगह हैं पूरे वर्ल्ड में थर्टी फाइव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये जितने आपको पिंक कलर से एरियाज दिख रहे हैं वो सारे क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगी नहीं एक एक करके ये सारे एरियाज बताती हूँ अफ्रीका तो सबसे पहले शुरू करते हैं अफ्रीका से अफ्रीका में आठ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं केप फ्लोरिस्टिक रीजन कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका ईस्टर्न एफ्रो माउंटेन ग्विनाइन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका हॉर्न ऑफ अफ्रीका मैडास्कर एंड द इंडियन ओशियन आइलैंड मैनुपेलैंड पंडोलैंड एल्बिनी एंड सकुलैंड कारो ये आठ हॉटस्पॉट जो है वो अफ्रीका में है उसके बाद एशिया पैसिफिक की बात की जाए तो यहाँ मिलेनिशियन आइलैंड ईस्ट मिलेनिशियन आइलैंड हिमालय इंडो बर्मन ये दोनों रीजन कहा हैं इंडिया में है और इंडिया में भी पाई जाती है मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही पाई जा रही है बट ये दोनों रीजन जो आते हैं हॉटस्पॉट इंडिया को भी इंक्लूड करते हैं फिर जापान माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना न्यू न्यू न्यूजीलैंड फिलीपींस आपका साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया संडरलैंड अगेन ये इंक्लूड करता है इंडिया के कुछ पार्ट्स को एंड वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका तो ये कुछ पार्ट जो है वो एशिया पैसिफिक के हॉटस्पॉट्स हुए यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में चार हैं कॉकस इरोनो एंटोलियंस मेडिटेरियन बेसिन एंड माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया ये चार हॉट यूरोप एंड सेंट्रल एशिया के कंबाइनली हैं साउथ अमेरिका के एटलांटिक सीलियन विंटर रेनफॉल फॉरेस्ट ट्यूम्स शोको एंड ट्रॉपिकल एंडीज ये टोटल आपके हो गए साउथ अमेरिका के पांच जोड़ के टोटल आपके 35 फाइव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए अब अगर बात की जाए सी एस आई आर के परस्पेक्टिव से तो सी एस आई आर लाइफ साइंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेच अगर मैं बोलूं नेचुरल एक वहां पे एक यूनिट है नेचुरल आ, हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो वहां इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात की जा रही है तो आपको जानना जरूरी है कि इंडिया के हॉटस्पॉट्स कौन है ठीक अच्छा अभी तक हमने जाना कि 35 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हैं वो अराउंड वर्ल्ड वाइड हैं लेकिन कुछ उन हॉटस्पॉट्स में भी हॉटेस्ट होर्टेस, हॉटेस्ट होर्ट हॉटस्पॉट्स है। हैं ठीक तो हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स होर डिटरमाइन करने के क्रा क्या क्राइटेरिया हैं वहां पे एंडेमिक प्लांट्स होने चाहिए एंडेमिक वर्टिब्रेट्स होने चाहिए एंडेमिक प्लांट और एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर एरिया में कितने एंडेमिक प्लांट्स होने चाहिए उसका जो है रेशियो देखा जाता है और एरिया जनरली देखा जाता है पर हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर में कि कितने स्पीशीज पाए जा रहे हैं प्लांट और वर्टिब्रेट तो ये रेशियो एरिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है प्लांट और वर्टिब्रेट दोनों का कि एक 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितने एंडेमिक प्लांट्स हैं या कितने एंडेमिक वर्टिब्रेट्स हैं उसके बाद वही रिमेनिंग प्राइमरी वेजिटेशन ये भी चेक किया जाता है कि कितने वेजिटेशन लॉस्ट हो गया है और कितना वेजिटेशन बचा हुआ है तो ये कुछ फाइव की फैक्टर्स थे ये डिटरमाइन करने के लिए कि हॉटेस्ट हॉटस्पॉट hot कौन कौन से हैं तो उन्हीं 35 फाइव हॉटस्पॉट में जो वर्ल्ड वाइड थर्टी फाइव हॉटस्पॉट है उनमें कुछ आठ जो है उनको हॉटेस्ट हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है इनमें है मैडगास्कर फिलीपींस संडरलैंड तो इसलिए आपको याद रखना है कि अगर कभी पूछे कि इंडिया का हॉटेस्ट हॉटस्पॉट कौन सा है तो इंडिया में तो बेसिकली चार हैं तो चार में से हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में से पूछेगा आपको तो आपको बोलना है संडरलैंड एंड नेक्स्ट आएगा आपका इंडोबर्मा तो इन, आपके इंडिया में दो जो है आपके हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं तो संडरलैंड एंड चौथा है ब्राज़ील एटलांटिक फॉरेस्ट कैरेबियन फॉरेस्ट इंडोबर्मा वेस्टर्न घाट श्रीलंका अगेन जो है ये भी हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में है तो मैं ये तो भूल गई थी तो आपके इंडिया के जो चार हॉटस्पॉट्स हैं उनमें इंडिया के जो चार हॉटस्पॉट्स हैं उनमें तीन जो हैं आपके आ रहे हैं हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में फिर एट ईस्टर्न आर्क एंड कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ तंजानिया एंड कैनिया तो आपको याद रखना है कि आठ हॉटेस्ट हॉटस्पॉट में से तीन हॉटेस्ट हॉटस्पॉट का रीजन इंडिया में भी प्रेजेंट है अब इंडिया में हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं मैंने पहले ही बोला था कि चार रीजन हैं एक है हिमालय रीजन उसके बाद है वेस्टर्न घाट का रीजन जो श्रीलंका तक एक्सटेंड होता है फिर है आपका इंडो बर्मा रीजन और फिर यहाँ पे आपका आता है संडा लैंड वाला रीजन तो चार रीजन आपके टोटल इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है यही यही मैंने बताया आपको कि चार रीजन है हिमालयन रीजन इंडो बर्मा रीजन द वेस्टर्न घाट एंड संडालैंड तो बात करते हैं सबसे पहले हिमालयन रीजन की हिमालयन रीजन जो है ये हाईएस्ट है माउंटेन्स की यहाँ पे जो रेंज है वो रेंज कवर हाईएस्ट है और ये ये माउंटेन्स कितने रेंज में फैले हुए लगभग सेवन लाख फिफ्टीन थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर की रेंज में फैले हुए इतना एरिया कवर करते हैं अब जो हिमालय रीजन है हॉटस्पॉट का हिमालय रीजन है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है वो बाकी जगहों पे भी है तो इंडिया के आसपास पड़ोसी मुल्कों में जो है और भी पाए जाते हैं हिमालय का हिमालय हॉटस्पॉट का जो रीजन इंडिया में पाया जाता है वो कहां पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूरा रीजन जो है वो हॉटस्पॉट में आएगा जाएगा आपका लेकिन ये हिमालय रीजन सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है ये भूटान में मिलता है नेपाल में मिलता है पाकिस्तान तिब्बत चाइना और म्यांमार इन छह जगहों पर भी ये हिमालय हॉटस्पॉट जो है वो एक्सटेंड है इसके बाद हम बात करते हैं ये आपका नॉर्थ ईस्ट का ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है ये हिमालयन रीजन है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंक्लूड किए जाते हैं बाकी इनके आजू बाजू के जो रेंज हैं वो आपके पाकिस्तान चाइना नेपाल भूटान में मिलते हैं उसके बाद इंडोबर्मा रीजन की बात की जाए तो बर्मा रीजन वाला जो हॉटस्पॉट है वो एक्सटेंड है इंडिया में म्यांमार बर्मा बे ऑफ के पास उसके बाद लाओस, थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम मलेशिया ये इंडो वर्मा वाला रीजन है कितनी रीजन में फैला है ये फैला हुआ है 23 अप्रोक्स 23 लाख सेवेंटी uh, थ्री थाउजेंड किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ रेंज है और इस रेंज में आपका कवर होता है म्यांमार वर्मा का रीजन थाईलैंड का रीजन कंबोडिया वियतनाम और मलेशिया के रीजन इन सब में आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस रीजन के इम्पोर्टेंट एनिमल्स कौन से हैं मैमल्स कौन से हैं बर्ड कौन से हैं रेप्टाइल्स कौन से हैं फ्रेश वाटर फिशेज कौन से हैं तो इनमें आपका आते हैं मैमल्स अगर मैं बात करूं इंडो बर्मा रीजन की तो पिग्मी लॉरिस आएगा डेकलोर लीफ मंकी साउला लेसर वन हॉर्न राइनोसोरस मांकी राइनोसोरस ये आपके मैमल्स आ जाएंगे बर्ड्स की बात करें तो वाइट रिवर मार्टिन और जी पे दो तरह के बर्ड्स जो हैं वो आ, काफी आइकॉनिक माने जाते हैं रेप्टाइल में बात की जाए तो क्रिप्टोडेक्टाइल जैगो और सियामीज क्रोकोडाइल यहाँ पे मिलते हैं फ्रेश वाटर फिशेस की बात करें तो मैकॉन्ग जिया कैटफिश मैकॉन्ग फ्रेश वाटर स्टिन ग्रे काप एंड गोल्डन पे फिश मिलते हैं फिर वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट के जो आइकॉनिक एनिमल्स हैं वो कौन से हैं? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल गौर गौर जो कि गोवा और बिहार दोनों का क्या है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है टेल मकाऊ, नीलगिरी ताहर जो कि तमिलनाडु का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है और नीलगिरी मार्टन ये पांच तरह के जो हैं वेस्टर्न घाट के आइकॉनिक स्पीशीज हैं वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलेगा आपको वेस्टर्न घाट आपको मिलेगा इंडिया के वेस्टर्न घाट वाले रीजन पे जो कि कवर करता है गोवा कर्नाटक केरला आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया के रीजन तो ये जो है वेस्टर्न घाट ये भी अगेन क्या है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाले रीजन है एंड एंड में आता है आपका संडा लैंड संडा लैंड में जो इंडिया में रीजन पड़ता है वो है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बाकी जो रीजन हैं सिंगापुर थाईलैंड इंडोनेशिया ब्रुनाई एंड मलेशिया में पड़ते हैं यानी संडा लैंड हॉटस्पॉट का एक रीजन निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो इंडिया में है बाकी जो है सिंगापुर थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया में पाया जाता है ये आपका संडालैंड है अच्छा संडरलैंड में अगर बात करें क्या क्या स्पीशीज डाइवर्सिटी है तो प्लांट्स में यहाँ पे रापेशिया आइकॉनिक स्पीशीज है बर्ड्स में बाली मैना एंड जावन हॉक ईगल जो है वो आइकॉनिक स्पीशीज है मैमल्स की बात करें तो औरंगुटान यहाँ पे पाए जाते हैं बोर्नियन एंड सोमात्रन सुमात्रन औरंग प्रोबोसिस मंकी जावन राइनो एंड सुमात्रन राइनो भी यहाँ पे पाए जाते हैं रेप्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे घरियाल और टेरापिंस जो है वो काफी आइकॉनिक है एम्फीबियंस में यहाँ टोट्स मिलते हैं स्लेंडर टोट्स एंड फ्रेश वाटर में आपको गोल्डन एरोवाना जो है इनका आइकॉनिक स्पीशीज है और इसके साथ जो है हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का रीजन जो पूरा आज का लेसन था वो खत्म हुआ हमने जाना कि टोटल वर्ल्ड वाइड थर्टी फाइव बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिनमें आठ जो हैं हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। पहला जो है हिमालय दूसरा वेस्टर्न घाट तीसरा इंडो वर्मा और चौथा संडालैंड। इन चार हॉटस्पॉट्स में तीन हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में आते हैं एक है वेस्टर्न घाट दूसरा है इंडो वर्मा और तीसरा जो है वो आपका संडालें uh, तो ये तीन जो आते हैं आपके हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स hot में आते हैं और इस तरह से जो है हमने जाना कि इंडिया के हॉटस्पॉट्स कौन कौन से हैं और ये देखा कि उनमें कौन कौन से स्पीशीज जो है, वो हैं वो आइकॉनिक स्पीशीज है तो इस तरह से जानने के लिए अगला जो है क्या लेसन होगा हमारे साथ बने रहिए वैदमी चैनल पे और अपडेटेड रहिए हमारे रेगुलर वीडियो से और कंटेंट से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग